हाँ, क्योंकि अब कोई वो प्रोटेक्शन नहीं है ना, वो पहले 1971 में था, 1970 में था या 1973 में था, अब कुछ भी ऐसा कवच नहीं है। एक तो संस्कृति और यहाँ की जो परंपरा है उसका, उससे भी ज्यादा मुझे पर्यावरण की चिंता है ना, कि अगर संस्कृत तो लोग मिलते बिछड़ते रहते हैं अतीत काल से, तो वो तो होता रहा है, मगर अगर इस मरुस्थल में लोग ये देखें कि इसमें बहुत पैसा बनाया जा सकता है, यहाँ पर खनन हो, यहाँ पर पर्यटन हो, यहाँ पर उद्योग हो, तो यहाँ की जो नाजुक पर्यावरण है वो बिगड़ जाएगी। उस वजह से मैं सोचता हूँ ये जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज, वो तो ज्यादातर संस्कृति के लिहाज से है, ना कि प्रकृति के। जी जी, संस्कृति के लिहाज से ट्राइबल एरिया घोषित करने वाला एक रहा है सोच। हाँ, ऐसा है कि तब जब 30-40 साल 50 साल पहले इस तरह की सुरक्षा प्रदान करते थे देश या संविधान, तो तब हमें संस्कृति तक के ही वो था, आभास था, संस्कृति तक का जो खतरा है उसका आभास था। प्रकृति के खतरे अब नए हैं, ये तो पिछले 2-3 दशक में ही आगे आए हैं। 50-60 के दशक में हमारे नेताओं को प्रकृति का तो कुछ वो था ही नहीं, आभास दुनिया को ही नहीं था, तब ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये मसले थे नहीं। तो आज के बदले हुए माहौल में सरकार को ट्राइबल कल्चर प्रोटेक्शन से ज्यादा माउंटेन इकोसिस्टम प्रोटेक्शन के नए प्रावधान करने होंगे। वक्त के बदलते प्रावधान तो बदलते रहते हैं ना, तब शायद संस्कृति महत्वपूर्ण दिखी होगी, तो ट्राइबल कल्चर को बचाने के लिए शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 जैसे प्रावधान दिए गए। मैं कह रहा हूँ कि आज उसकी जरूरत है, मगर उससे भी ज्यादा प्राकृतिक संरक्षण की जरूरत है पहाड़ों में, और वो संरक्षण सिर्फ लद्दाख में नहीं, वो हिमाचल के ऊंचे पर्वतों में, उत्तरांचल के ऊंचे पर्वतों में, हर पर्वतीय क्षेत्र में ऐसा संरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, सिर्फ लद्दाख ही नहीं, औरों में भी, ताकि हम अपने हिमालय को बिगाड़ ना दें। ऐसे औद्योगिक प्रगति भी क्या कि जिससे हमारा पानी ही खत्म हो जाए और लोग भूख के शिकारों, हम खेती खत्म हो जाए, ग्लेशियर पिघल के खत्म हो जाए, तो हमें अपना रख रखाव इन नाजुक जगहों की करनी होगी। इसलिए मैं सोचता हूँ अगर ट्राइबल प्रावधान, जो जनजातीय प्रावधान है, उससे नहीं भी हो तो नया एक प्रकृति संरक्षण प्रावधान होनी चाहिए। सर, इसको लेकर कोई रोड मैप आप क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आने वाले समय में देंगे, या लद्दाख में जो यूनिट टेरिटरी बनेगी उसको लद्दाख को लेकर के? जी, हम लद्दाख की ओर से, मुख्य तरफ से, ऐसे संरक्षण के प्रावधान लद्दाख और बाकी हिमालय के लिए देना चाहेंगे। लोग ये ना समझे कि लद्दाख के लोग किसी और को आने नहीं देना चाहते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि लद्दाख के लोग भी ऐसे काम ना करें जिससे कि यहाँ की प्रकृति बिगड़ जाए। 370 के चलते भी मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से हम डीजल के टैक्सी में टूरिस्ट पर्यटकों को ग्लेशियर पे ले जा रहे हैं, ये सब बिगाड़ रहा है माहौल, यहीं के लोग भी बिगाड़ रहे थे, अब बाहर के भी आके बिगाड़ने लगे, तो आप सोचिए पृथ्वी की हालत क्या होगी।